अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हो। आज हम बना रहे हैं आलू करेले जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। मसाला नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ हमने डालनी है हल्दी एक चम्मच, एक चम्मच हमने सुरख मिर्च डालनी है, एक ही चम्मच हमने इसमें नमक डालना है। अब हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने 2 कप ऑयल डाल लिया है और ऑयल डाल के हमने इसमें डाल दिए करेले। इसको हम फ्राई कर लेंगे, ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, बहुत मज़े के बनते हैं, इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। ये करेले हमारे भून रहे हैं, ये अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे, अब ये करेले हम निकाल लेंगे। ये हमने करेले निकाल लिया, अब इसमें डालने लगे हम आलू फ्राई करने के लिए। उसी ऑयल में हमने आलू फ्राई कर लेने हैं, आलू हमने अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। ये हमने आलू इसमें डाल दिए हैं, ये हमारे आलू फ्राई हो गए हैं अच्छे से। ये अब हमारे आलू फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। ये हमने अब सारे आलू निकाल लिए हैं, अब इसमें डाल दिया प्याज जो अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ये हमने अच्छे से ब्राउन करना प्याज, ये हमारा प्याज ब्राउन हो गया। इसमें आप डालेंगे टमाटर मिर्चें, ये हमने टमाटर मिर्चें डाल दिए हैं, इनको भून लेंगे। इसमें हमने और कोई मसाला नहीं डालना, बस यही नमक और मिर्चें डालनी है क्योंकि इनका अपना मज़ा होता है। यहाँ पर हमने इसको ढक्कन लगा के रख दिया है, तकरीबन 1-2 मिनट ढक्कन लगा के रख देंगे। ये देखिए हमारा मसाला कितना प्यारा तैयार हो रहा है। ये अब हमारा मसाला तैयार हो गया, इसमें हमने ये मसाले डाल दिए, नमक मिर्च और हल्दी, और कोई मसाला हमने इसमें नहीं डालना। इसको भूनना है अच्छे तरह से, ये हमने भूनना है। ये देखिए कितना प्यारा मसाला हमारा तैयार हो गया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ये देखिए हमारा कितना प्यारा मसाला तैयार हो गया। अब इसको अच्छी तरह से भून के ये देखिए कितना प्यारा तैयार हुआ है। अब इसमें जो आलू करेले फ्राई किए हुए थे वो डाल देंगे, ये हमने उसमें डाल दिए हैं। अब इनको अच्छे से भून लेंगे, अब ये हमने अच्छे से भूनना है इनको। ये देखिए अब मिक्स कर दिया हमने, कितना प्यारा हमारा कलर आया। अब इसको ढक्कन लगा देंगे, अब ये हमने 15 मिनट के लिए दम पे रख देना हल्की सी आंच पे, और बीच बीच में इसको हिलाते रहना, देखते रहना कि ये हमारे करेले जल ना जाए। साथ साथ हमने इसको देखते रहना कि नीचे ना हमारे करेले जल जाएं लग के। ये देखिए हमारे करेले तैयार हो गए, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसको हम करते हैं डिश आउट, ये देखिए कितने प्यारे हैं। अब इनको डिश आउट कर लेंगे, या अब हमने डिश आउट कर दिया। कल मैं नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह।